होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी दमदार और बहुत ही इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स लेकर आया हूं, जो गर्ल्स या बॉयज अगर अपनी लाइफ में यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होंगी, बशर्ते आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से की हुई जानी चाहिए। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक सवाल का जवाब आपको देना चाहता हूँ कि मार्शल आर्ट में या कराटे में खिलाड़ी ऐसा क्या सीख लेता है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकता है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग भी होता है, फिट भी होता है और औरों से अलग होता है, और जो नॉर्मल लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं और नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे मार्शल आर्ट वाले अलग क्यों होते हैं? वो ऐसा क्या कर सकते हैं जो नॉर्मल खिलाड़ी होते हैं या नॉर्मल बच्चे होते हैं या नॉर्मल लोग होते हैं वो नहीं कर सकते? तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, जो मार्शल आर्ट के प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है। लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए इंसान के अंदर आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट सीखने से मिलता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। मार्शल आर्ट के कठिन अभ्यास के बाद राइट टेक्निक, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, वो इस वीडियो में बताया गया है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और मैक्सिमम शेयर ज़रूर करें। Yeah.